बढ़िया दिमाग का इस्तेमाल किया। आई वुड से जी वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, उनको लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। एंड ये होती है एक बढ़िया प्लेयर की, मैं बोलूंगा ना, पहचान, एक बढ़िया आईजीएल की पहचान। उन्होंने बिल्कुल ऑलरेडी कॉल दे दिया था कि ये चीज हो सकती है, आप हो प्रिपेयर्ड रहिए, सकता बट एक ग्रेनेड आएगी राइवलरी के ट्रायआउट की तरफ से। आई डोंट नो कैसे स्पॉट किया, बट उन्होंने यहाँ पे टेक डाउन कर दिया। बट स्टिल व्हाट वी नो इज ग्लोबल स्पोर्ट्स, अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट्स वो लेके गए इस मैच के साथ भी। साहिल काफी अच्छा था, डेंजर विद अ ग्रेनेड, बहुत बढ़िया ग्रेट थी लास्ट मिनट। एंड ये लीजिए, उस ग्रेट ने यहाँ पे एक अच्छा कनेक्शन भी ढूंढ लिया, काफी बढ़िया कोशिश करते दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हाइड्रा 8 फिनिशेस लेके बैठी है, दे आर गोइंग ऑल आउट इन दिस लास्ट मैच। 8 में इसको भी डाउन कर देंगे। आखिरी बचा प्लेयर जंप के साथ, डेंजर, व्हाट इज दिस गाय, व्हाट इज दिस गाय, क्या क्या प्लेयर है ये, एक पिक्सल पे एचपी, एंड जो क्लच था इट वाज जस्ट माइंड बॉगलिंग। अगेन ही इज नॉट इवन वेटिंग, 12 फिनिशेस टीम के साथ अकेले डेंजर के हो चुके। व्हाट इज दिस गाय, आई डोंट नो, जिस तरीके का गेम प्ले, इट इज जस्ट ह्यूमंगस। सरदार जी आप जादू की तरफ नजरें डालिए, एक ऐसा खिलाड़ी जो हमारी नजरों से कब का निकल चुका था, और मैं उसी की बात कर रहा था जी। कि एक प्लेयर हमें नजर नहीं आ रहा, एक टीम मुझे नजर नहीं आ रही इस पूरे सर्कल के अंदर, और टैग 3 पर आके एलिमिनेट होता हुआ, यहां फर्स्ट स्टेज समाप्त हो चुके थे उनके, तो एक लाजवाब प्रदर्शन वहां आरई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की तरफ से भी देखने को मिला। जादू हर बार वो भी कामयाब हो जाते हैं, बट लीजिए